से। पत्रकार महोदय, शिक्षा विभाग की समस्या अनंत है, इसका समाधान समय के गर्त में है। आज की जो परिस्थितियां हैं वह बहुत ही चिंता का विषय है। शिक्षा विभाग में तमाम तरह की खामियां आ गई हैं और इस समय जो स्थिति बनी हुई है, मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला है और इस जिले में शिक्षा विभाग के अधिकारी इतने निरंकुश हो चुके हैं कि एक बच्ची कुशीनगर की है, लकी दुबे, उसका जो है 5 साल से केवल नंबर, केवल उसका एक स्पेलिंग मिस्टेकिंग था, जो कलर्कियल मिस्टेक कहा जाता है, उसके लिए वो बच्ची 5-6 साल से भटक रही है, उसकी आज तक मार्कशीट नहीं दिया गया। ऐसी क्या मजबूरी है शिक्षा विभाग की, बोर्ड ऑफिस की कैसी मजबूरी है कि उस बच्ची के कैरियर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? यह बहुत ही निंदनीय विषय है, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि विभाग, शिक्षा विभाग बच्चों के भविष्य सुधारने के लिए बनाया गया है, न कि उनके भविष्य को बर्बाद करने के लिए बनाया गया है। इसके लिए जो भी अधिकारी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा की विषय है। अपने प्रदेश में 75 जिले हैं, 75 जिले में खाली गोरखपुर ही ऐसा जिला है जहाँ देखने को अक्सर मिलता है कि सारे जिले के कार्यालय 10 से 5 खुले रहते हैं, यहाँ के कार्यालय 5 बजे के बाद लगते हैं, और ऐसा भी देखा जाता है कि 5 बजे के बाद कुछ अराजक तत्व तो कार्यालय पर आते हैं जिनको अधिकारियों द्वारा प्रश्रय प्राप्त है, और बैठ करके जिले में जो धारा 21 सेवा सुरक्षा संबंधित गई है, प्रबंधकों की मिली भगत से रोज़ शिक्षकों को कैसे हरेस किया जाए, कैसे उनको निलंबित किया जाए, कैसे बर्खास्त किया जाए, यही सब कार्रवाई होती है। जबकि शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इसलिए लगाया जाता है जिले पर कि वो शिक्षकों की समस्याओं का निदान करें, उनकी समस्याओं को सुने। प्रबंधक प्रिंसिपल के द्वारा शिक्षक प्रताड़ित होता है तो कार्यालय पर आता है, DIS ऑफिस पर आता है, JD ऑफिस पर आता है, और जब यहीं बैठ करके रणनीति बनेगी कि आज इस नेता को हरेस करना है, आज इस शिक्षक को सस्पेंड कराना है, तो यह तो वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, उनको इस बात का संज्ञान जरूर लेना चाहिए कि क्या हो रहा है। उनको किसी प्राइवेट एजेंसी या सरकारी एजेंसी से निश्चित रूप से जांच कराना चाहिए। माननीय मंडलायुक्त को इस पर ध्यान देना चाहिए कि ये सब क्या मछली का बाजार लगा रहता है शिक्षा विभाग को। एक सबकी अपनी व्यक्तिगत विचारधारा हो सकती है, सबकी अपनी अलग अलग नज़रिया हो सकती है, अपना अपना दृष्टिकोण हो सकता है। किसी के लिए बारिश होती है तो अच्छा लगता है, किसी को सूखा पड़ता है वह अच्छा लगता है, तो अब इसके लिए हम व्यक्तिगत किसी व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। हो सकता है किसी मामले में उनको अच्छे नज़र आते हों, किसी नेता को बुरे नज़र आते हों, तो यह तो अपना व्यक्तिगत नज़रिया है, इस पर हम क्या टिप्पणी करें।